हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा आप लोग तक पहुंचा दूं। वो ये कि दुबई एयरपोर्ट से वापसी से लाहौर एयरपोर्ट तक मैंने घर पहुंचने तक बिल्कुल व्लॉग बनाया था और काफ़ी अच्छा व्लॉग था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल रीसेट हो गया। तो मुझे अफसोस भी उस बात का, लेकिन खुशी इस बात की कि सिर्फ एक व्लॉग वो डिलीट हुआ। कहीं सारा डाटा मेरा जो मैं साथ साथ अपलोड करता क्या था, मैंने ये नहीं किया कि दुबई में तो आराम करूं घर जाके एक साथ अपलोड करूंगा, नहीं। अगर मैंने वो किया होता तो फिर मेरे सारा व्लॉगिंग डाटा उड़ जाता ना। तो बस यही आप लोगों को बताना था। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। गुड मॉर्निंग कहूँ, गुड नाइट कहूँ, क्या कहूँ, 5:30 हुए। और हाँ, जो जिस बात के लिए मैंने वीडियो बनानी शुरू की, इस टाइम आज मेरा बर्थडे है। तो मैं फ्रेंड्स की तरफ गया हुआ था, मतलब कुछ बर्थडे वगैरह के चक्कर में नहीं, वैसे ही काम था थोड़ा। तो अभी आया हूँ घर, बोला सोने लगूँ, उस सोकर उठकर। वैसे मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता कुछ अरसे से, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आज सारा दिन क्या किया। बेशक कुछ भी ना करूँ, लेकिन कुछ दिल की बातें करूँगा आप लोग। तो मिलता हूँ आपको फिर सोकर उठने के बाद। हेलो, अभी मेरी अम्मी ने मुझे उठा दिया है कि कोई कॉलर वाला है। तो अभी मैंने ये उठते साथ ये पार्सल खोला, इसमें कुछ चीज़ें थी ये, और सोया भी नहीं हूँ इतना। 2 दिन की शुरुआत तो ऐसी है, आगे देखें क्या होता है। देखना चाहते हैं आप क्या होता है मेरे साथ? देखना चाहते हैं? आ जाओ। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ये देखिए, मेरे बर्थडे का दिन गुजर है। और फेसबुक पे अपने मैंने स्टेटस डाल दिया था कल ही कि इस्लामाबाद के मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ हूँगा तो फिर जाहिर सी बात है, अगर ये शो करूँगा कि यहाँ हूँ तो जाहिर सी बात है फिर सब दोस्त यार जितने भी बहन भाई हैं वो फिर मिलने के लिए आ जाएंगे। बर्थडे है तो कोई केक लेकर आ जाएगा, कोई विश करने आ जाएगा। तो मेरा दिल नहीं है किसी को मिलने को या कुछ सेलिब्रेशन को। और किसी को आप फेस टू फेस ये बात कह भी नहीं सकते ना, अगला इतने प्यार से आए या मिलने वो माइंड कर जे। तो बस मैं ऐसा ही हूँ, बोरिंग सा है ना। पता नहीं आप लोगों को सोचो आज बर्थडे तो मैं कोई बड़ा अच्छा व्लॉग बना रहा हूँ या पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। देख लिया आप लोगों ने मैं क्या कर रहा हूँ, आगे भी दिखाता हूँ। तो मजीद बोरिए देखनी है तो आ जाओ। मोना भोला भालिया बंद करो, क्या मोना बंद कर, मिच बंद कर रही हूँ। कितनी आज पता नहीं कैसे मुझे समझ नहीं आ रही, किरण तो कैसे दिल कर गया आने को। कैसे मेरे बॉयफ्रेंड ठीक हूँ आप सुने, मेरी शादी नहीं करनी है मुझसे, कर लो शादी, करते हैं ना आज रात। बदतमीज, सबके सामने कह दिया बदतमीज किरण। अभी मैं सोया हुआ था तो अभी मोना आई अचानक, आपको पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरा जैसे भी कुछ प्लान नहीं था, तो अचानक वो केक लेकर आई और बुके मेरे लिए और किरण आई है साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेस्ट फ्रेंड्स, आपको पता है फिर बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ आपको पसंद है। तो मोना मेरे रेड फ्लावर्स लेकर आई और अब मैं इनको अपने साथ रख के इससे सोऊं। हेलो, तो रात के बज गए अब 10 और ये था मेरा बर्थडे का दिन। और हाँ, लेकिन ये है कि आई एम वेरी ग्लैड के मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है,
तो वो मिलने के लिए आई और उसी ने फ्लावर दिए मुझे, केक भी लेकर आई थी, लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा सा सोया हुआ था, तो वो क्योंकि अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आई थी। बड़ी बात होती है कि आप ऑन ड्यूटी भी हो और फिर भी आप मिलने के लिए आ रहे हैं, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, स्पेशल फील होता है, क्योंकि मैं तो यूजुअली सबके लिए ही करता हूँ, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनको पता है, बहन भाई हैं उनको पता है, लेकिन मेरे लिए इतना कोई करता नहीं, और मुझे इतनी होती भी नहीं उम्मीद किसी से, तो मैं सोया हुआ था, तो वाकई इन रियल मीन्स तो उसने आकर फिर उठाया, और सरप्राइज वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज था। शायद उस टाइम तो मैं इतना अच्छा रिएक्ट भी नहीं कर पाया कि शॉक था थोड़ा, क्योंकि वाकई सरप्राइज था। तो शुक्रिया बहुत ज़्यादा मोना तुम्हारा कि तुम आई मेरे लिए, इतना तुमने किया, और बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इवन के कुछ ऐसे भी मैसेज आए, पता नहीं उनका मेरा नंबर कहाँ से आया, लेकिन शुक्रिया सबका बहुत ज़्यादा। और बस ये था मेरा बर्थडे का दिन, हो सकता है किसी का असर फिर कभी निकल जाए, लेकिन फिलहाल तो यही था मेरी सिंपल सी बर्थडे। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी बोरिंग है, बोरिंग तो नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी सिंपल सी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, मैं कोई कौन सा बहुत बड़ा व्लॉगर हूँ, तो यही चीज़ें हैं। तो अगर तो आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो तभी आपको पता चलेगा कि बोरिंग, अदरवाइज आपको पता भी चलेगा। तो थैंक यू, और मुझे प्लीज़ दुआ में याद रखें, तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखें, जैसे मैं आप लोग को हमेशा दुआ में याद रखता हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो ये आप लोग की तरफ से मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। दुआ में याद रखें मुझे हमेशा, और कोशिश यही होती है कि आप लोग बोर ना हो मेरी वीडियो देख कर, लेकिन क्योंकि कुछ भी प्री प्लान्ड और कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं मैं, तो जैसी भी वीडियो होती है तो बना देता हूँ। तो आई होप कि आप सब ये सिंपल सी मेरी वीडियोस पसंद करते हो, तो आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छी फ्रेगनेंस है, बाय बाय।